हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्यूटी ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम आपको केरला के शहर कोची के बारे में बताएंगे, जिसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। कोची केरला का कमर्शियल कैपिटल है। अगर आप कोची या केरला घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि कोची को गेटवे टू केरला भी कहा जाता है। यहाँ से आप मुन्नार, थेकड़ी और अलेप्पी भी जा सकते हैं। लक्षद्वीप भी आप यहीं से जा सकते हैं। सबसे पहले हम आपको फोर्ट कोची के बारे में बताएंगे, जिसे हार्ट ऑफ कोची कहते हैं। समंदर के किनारे बसा यह शहर अपनी डच, पोर्तुगीज और ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। फोर्ट कोची के कुछ मुख्य आकर्षण के केंद्र जहां आप ज़रूर जाएं, जिसमें पहला है सेंट फ्रांसिस चर्च। सेंट फ्रांसिस चर्च भारत का पहला यूरोपियन चर्च है। इसका निर्माण 1503 में किया गया था। सेंट फ्रांसिस चर्च वो जगह है जहां मशहूर खोजी वास्को डी गामा को दफनाया गया था, पर 14 साल बाद उनके अवशेषों को उनके पुत्र द्वारा लिस्बन में हटा दिया गया था। इसके बाद आप चाइनीज फिशिंग नेट देखने जा सकते हैं, जो कि सेंट फ्रांसिस चर्च से वॉकेबल डिस्टेंस पे है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसका मूल उद्भव चाइना में हुआ है। इसी चीनी फिशिंग नेट को कोची में पहली बार चीनी यात्री ज्वेंग हे द्वारा लाया गया था। ये नेट 14वीं शताब्दी में कोची बंदरगाह में स्थापित किया गया और तब से अभी तक इसका उपयोग किया जा रहा है। चाइनीज फिशिंग नेट देखने के बाद आप मरीन ड्राइव जा सकते हैं। मरीन ड्राइव समंदर के किनारे स्थित एक चहल पहल वाला एरिया है। ये मरीन वॉकवे, इवनिंग वॉक और हरे भरे सुभाष बोस पार्क के लिए जाना जाता है। आधुनिक रेनबो और केटूवलम पुल से बैकवाटर के नज़ारे दिखते हैं। साथ ही किनारे पर मौजूद जटीज से क्रूज निकलती है। मरीन ड्राइव स्थानीय लोगों और पर्यटकों में समान रूप से फेमस है, क्योंकि यहां से समंदर का साफ सुथरा दृश्य दिखता है। मरीन ड्राइव के बाद आप शाम में कथकली का प्रोग्राम देखने जा सकते हैं। कथकली नृत्य केरला की प्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है। रंगीन वेशभूषा पहने कलाकार गायकों द्वारा गाए जाने वाली कहानियों को हस्त मुद्राओं और नृत्य द्वारा अभिनय करके लोगों को दिखाते हैं। इस नृत्य का सब्जेक्ट भारतीय पुराणों और इतिहासों से लिया जाता है। इस केंद्र की स्थापना 1990 में हुई थी। फोर्ट कोची के बाद आप मेटनचेरी जा सकते हैं। मेटनचेरी एक छोटा सा टाउन है, जो कि अपने स्पाइस मार्केट और मेटनचेरी पैलेस म्यूजियम के लिए जाना जाता है। आप मेटनचेरी मार्केट में घूमकर अलग अलग तरह के स्पाइसेस, हर्ब्स और सूप्स खरीद सकते हैं। शॉपिंग के बाद आप मेटनचेरी पैलेस जा सकते हैं। ये पैलेस एक पुर्तगाल महल है, जिसे डच पैलेस के नाम से जाना जाता है। इस महल को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में रखा गया है। इसके बाद आप वेलिंगडन आइलैंड जा सकते हैं। ये आइलैंड इंडिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित आइलैंड है। केरला के प्राचीन बैकवाटर से घिरा ये द्वीप प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। इस द्वीप में राज्य के कुछ बेहतरीन होटल भी हैं। साथ ही ये कोची को दुनिया के अन्य बंदरगाहों से जोड़ता है। ये द्वीप 1933 में बनाया गया था और इसका नाम लॉर्ड वेलिंगडन के नाम पर रखा गया था। इसके बाद आप लुलु मॉल जा सकते हैं। लुलु मॉल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। ये केरला के सबसे अधिक देखे जाने वाले जगहों में से एक है। ये शॉपिंग मॉल 2013 में ओपन हुआ था। इसमें लगभग 225 आउटलेट्स हैं। अगला है चेराई बीच। चेराई बीच कोची के लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक है, जहाँ के स्थानीय निवासी और टूरिस्ट दोनों ही यहाँ के सनराइज और सनसेट देखने आते हैं। इस बीच तक आप बाई रोड या समुद्र के रास्ते पहुँच सकते हैं।
ये बीच कोची से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला है केरला फोल्कलोर म्यूजियम। ये म्यूजियम केरला के लोगों के जीवन शैली को करीब से दर्शाता है। इस म्यूजियम में कथकली के मुखौटों, वेशभूषाओं, मूर्तियों, आभूषणों और संगीत वाद्य यंत्रों को दर्शाया गया है। केरला फोल्कलोर म्यूजियम ने अपनी वेबसाइट पे म्यूजियम के 360 डिग्री वर्चुअल टूर के लिए लिंक दे रखा है। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक से आप म्यूजियम का 360 डिग्री वर्चुअल टूर कर सकते हैं। म्यूजियम की टाइमिंग सुबह 9:30 से शाम 7 बजे तक है। यहाँ की एंट्री फी 100 रुपीज़ एडल्ट्स के लिए और 50 रुपीज़ माइनर के लिए है। अगला है हिल पैलेस म्यूजियम। कोची के त्रिपुनाथुरा में स्थित हिल पैलेस केरला का सबसे बड़ा पुरातत्व संग्रहालय है। ये कोची के महाराजा का शाही प्रशासनिक कार्यालय और निवास था। 1865 में निर्मित इस महल परिसर में पारंपरिक वास्तुकला शैली में 49 इमारतें हैं जो 54 एकड़ में फैली हैं। ये म्यूजियम सुबह 9 से दोपहर 12:30 और दोपहर 2 से शाम 4:30 के बीच खुला रहता है। चिल्ड्रंस पार्क शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है। ये म्यूजियम सोमवार को बंद रहता है। इसकी एंट्री फी 30 रुपये बड़ों के लिए और बच्चों के लिए 10 रुपये है। अगला है वाइपिन आइलैंड। वाइपिन द्वीपों के समूह में से एक है जो भारतीय राज्य केरल में कोची शहर का हिस्सा है। यह द्वीप लगभग 27 किलोमीटर लंबा है। ये कोची से पुलों की एक श्रृंखला से जुड़ा हुआ है जिसे गोश्री पुल कहते हैं। यह दुनिया का 58वां सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है। अगला है सांता क्रूज बेसिलिका। सांता क्रूज बेसिलिका कोची के सबसे पुराने और बड़े आकर्षण केंद्रों में से एक है। इसका निर्माण पुर्तगालियों ने 1505 में किया था। ये केरला के 9 बेसिलिकाज में से एक है। ये सेंट फ्रांसिस चर्च के नज़दीक स्थित है।